सुबह उठते ही ना मैं पहले क्या करती हूँ, अपनी फोन लेके सारा नोटिफिकेशन सब कुछ चेक करती हूँ। तो वैसा ही आज भी वैसा ही किया मैंने। व्हाट्सएप में हमारा एक फैमिली मेम्बर का एक ग्रुप है, उस पर मेरे दीदी ने डाला था कि हमारी बहुत दूर की रिश्तेदार नहीं है, पास की है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो उनका शादी भी हमारे उस मतलब उसी इलाके में ही है, और उनका मायका भी। और हम लोग बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। तो उनका डेथ हो गया है, कैंसर हो गया था उन्हें। दो बच्चे भी हैं उनका। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब उनका फेस ना बार बार आ रहा है। मतलब मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो उनका वो हंसता हुआ फेस आ रहा है। ज्यादा उम्र भी नहीं हुआ था, 40-45 ऐसा शायद होगा। और क्या है कि मतलब बहुत दिनों से बीमार थी, ऐसा भी नहीं है, अचानक से कैंसर मतलब सस्पेक्ट हुआ। और मतलब इस लॉकडाउन पीरियड में पूरा हुआ। कैसे मतलब मेरा लाइफ इतना खराब क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है। एवरीडे आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, मैं बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रही हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट करते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके ना ओवरकम करती हूँ, फिर भी एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मेरे लाइफ में ये अंधेरा कब जाएगा मुझे नहीं पता। मेरे घर पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मेरी दीदी हम मेरा दो दीदी है, कजन सिस्टर। एक्चुअली हम लोग ना कजन नहीं है, मतलब खुद की भाई बहन आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारे जो घर है ना वो जॉइंट फैमिली था। मेरे मायके की बात कर रही हूँ। तो हम लोग ना एक साथ बड़े हुए हैं। तो एवरी डे जिसको आप देखते हो, एवरी डे मतलब अपने पास के घर में ही है, मतलब दरवाजा भी ना खुला रहता है हमेशा हमारे और चाचा ताऊ जी उनके घर का। तो हम लोग उसके घर पे जाके सो जाते हैं, वो हमारे घर पे आके सो जाते हैं। हमारा वैसे ही रिलेशन है, मतलब खुद के भाई बहन का ही। मैंने एक वीडियो बनाया था 2018 का शायद होगा, दुर्गा पूजा का। मैंने एक ऑरेंज कलर की कुर्ती पहनी थी, कोल्ड शोल्डर वाला। मैं अपनी बुआ के घर में गई थी, उस वीडियो में उस दीदी को मैंने दिखाया था। थोड़ा सा हेवी है। तो उनके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मतलब लॉकडाउन में करीब 2-3 वीक पहले एक्सीडेंट हुआ था। मैंने बोला था आपके साथ, शेयर किया था कि प्रेशर कुकर बस्ट हो गया। प्रेशर कुकर बस्ट होके ना उनका जो थाई है ना उसमें आके पूरा लग गया, तो पूरा जल गया था, ड्रेसिंग हो रहा था। अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि आप सबसे अच्छा डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो लोग अभी कुछ भी हो रहा है ना तो कोशिश कर रहे कि आसपास में जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा कर ले ऐसे करके। तो वही किया उन लोगों ने, मतलब पता नहीं डॉक्टर की गलती है कि क्या है, कुछ हुआ हो गया है उसको, मतलब अभी और बढ़ गया है वो चीज। तो मेरी दीदी भी डर गई, उसकी भी बच्ची है एक छोटा सा। उस वीडियो अगर आप चेक करोगे तो उसमें दोनों ही हैं। तो उनका आज उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनका डेटोरिएट कर गया सिचुएशन। अभी ऑपरेशन होने वाला है उनका। तो मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ कि क्या होगा ऑपरेशन में। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसी हालत से गुजर रही हूँ। एक के बाद एक खराब 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 चीज। पता नहीं मेरे लाइफ में ये अंधेरा, ऐसा बोलते हैं ना कि रात के बाद हमेशा सवेरे होते हैं, तो मेरे लाइफ में वो सुबह कब होगा मुझे नहीं पता। एवरी डे कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। मैं कितना आपके साथ बोलूं कि खराब हो रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपके साथ हमेशा ये शेयर करना कि खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। पहले मैं कितना अच्छा थी, कितना अच्छे अच्छे न्यूज आपके साथ शेयर करती थी, पर अभी मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है ना कि मैं क्या करूं। आज पूरा दिन मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा वो हालत नहीं है। जब तक न्यूज नहीं आता ना कि वो कैसी है, ऑपरेशन थिएटर में है अभी, आप समझ सकते हो ना कि अगर दीदी को ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। खाना बनाना है मुझे, मतलब खाने का भी मन नहीं है, कुछ भी बना लूँ ऐसा मन हो रहा है। वो कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब वो पकोड़ा करी ऐसा कुछ बना देंगे मम्मी और मैं मिलके। पकोड़ा मैं दाल की बनाऊंगी, और दाल की पकोड़े के लिए ना मैंने दो तरह की दाल लिया है। ये रेड लेंटिस मतलब मसूर की दाल है, और ये है चना दाल। दोनों को मैंने, मसूर की दाल मैंने 3 छोटा कटोरी लिया था, और 1 कटोरी मैंने ये जो दाल होता है वो लिया था, चना दाल ही बोलता है इसको, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। तो इसको भिगो के रखा था, और इसको अभी मैं ब्लेंड करूंगी। सो ब्लेंड करने से पहले मैं बता दूं, इसके अंदर मैंने टमाटर अनियन गार्लिक का पेस्ट बनाया था। एक टमाटर, दो एक अनियन, दो टमाटर और
थोड़ा सा इतना सा जिंजर, चार पांच लहसुन, और इसको मैंने ब्लेंड किया था। तो इस मिक्सर ग्राइंडर में ना जो है इसके अंदर थोड़ा सा ये पेस्ट है और इसके अंदर ही हम ये डाल के पीसेंगे, तो ये डाल के अंदर भी ना थोड़ा सा मसाला चला जाता है जो अच्छा लगता है बाद में जब पकौड़े बनते हैं इसका। सो मम्मी आज पूरा खाना बना रही है, हमारी गैस खत्म होने को आए है तो हम लोग फिर से इंडक्शन में शिफ्ट कर गए हैं, इसीलिए मतलब थोड़ा इंडक्शन में थोड़ा गैस पे करते हैं। वही नॉर्मल से ही बना रहे हैं, जीरा और सूखी लाल मिर्च ऑयल में डाल के जिंजर गार्लिक टमाटर और अनियन का पेस्ट डाला, इसको ग्रेवी बना के बस पकौड़ों को डाल देंगे। सुबह शाम मतलब दोनों टाइम हो जाएगा, बहुत सारा पकौड़ा तल लिया है मम्मी ने। मेरा इतना भी मन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ ना दिखाऊं कि क्या खाना बना रही हूँ क्या। मैंने सोचा था आज के आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ और बनाऊंगी चिकन का अलग रेसिपी, पर ऐसा मन नहीं है कि मैं बनाऊं कुछ भी। चिकन विकन है घर पे, पर ऐसा ही मतलब कुछ खाना है इसीलिए खाना बना रही हूँ, ही एनफ है। तो मम्मी ने ही पूरा बना दिया, ना ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर पाई ना कुछ। होपफुली आप समझ रहे हो कि मेरा हालत कैसा है। अभी तक कुछ न्यूज नहीं आया है क्या है उनका हालत, मतलब और कितना खराब न्यूज आने वाला है पता नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ओटी खत्म होगा और हम लोग, मैंने मेरी दीदी की जो उसके पास फोन है, मेरी दीदी के पास जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके बच्ची के, एक्चुअली क्या है कि उनका जो बच्ची है ना बहुत छोटी है, छोटी मतलब अभी 2-3 ऐसी क्लास में पढ़ती है, पर ऐसा होता है ना कि अगर किसी का बच्चा होता है तो वो मायके में आके कुछ दिन रहती है 2-3 महीने। तो मेरी दीदी भी थी उस टाइम पे, मैं भी छोटी थी उस टाइम पे, 7-8-10 साल की पहले की बात कर रही हूँ। तो तब मैं शायद 11-12 में थी। तो उस टाइम पे ना मेरी दीदी की जो लड़की है बच्ची, उसको मैंने अपने गोदी में खिलाया है ना, तो उसके ऊपर एक अलग अफेक्शन है। मतलब उसका अभी हालत खराब है बहुत, अब समझ सकते हो ना, मम्मी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो खाना वाना अच्छे से नहीं कर रही है शायद। हम लोग फोन कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक हूँ, मतलब उसको अभी बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बार बार हम फोन नहीं करते हैं। दीदी को फोन किया था कल रात को, आज सुबह को नहीं किया क्योंकि अभी ऑपरेशन का मतलब मामला है, तो अच्छी है। और अभी तो मतलब हर एक कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनका कोविड टेस्ट भी होता है ना, तो उनका नेगेटिव रिपोर्ट आया है। हम लोग टेंस्ड है कि मतलब कैसे क्या हो रहा है। हॉस्पिटल जाना अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना उधर, और उनका इम्यूनिटी भी कम रहता है। तो क्या बोलूँ मैं आपके साथ, ये बन के रेडी हो गया है, ये रात का और ये सुबह का, बस आज इतना ही और नहीं मन हो रहा है। दाल है, राइस बना लिया है। देखो कितना तूफान आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये पूरा डार्क हो गया है, पूरा एश कलर, कितना जोर से तूफान आ रहा है। बाप रे, चलो कुछ अच्छा चीज भी आपको दिखाती हूँ जो मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये देखो, ये क्या है बताओ, ये देखो, ये छोटा छोटा आप देख रहे हो ना, ये धनिया है, ये मतलब जो हम धनिया पाउडर यूज करते हैं ना वो ही है। आपने कभी ऐसा देखा था? मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो मेरे धनिया पत्ता में धनिया भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है इसमें। और आप एक चीज देखो, ये जो मेरा पौधा है ना नीलकंठ, इसमें कितने सारे कलियां आया है देखो, कल 1-2 बहुत सारा होगा, और भी है, भर गया है। ये देखो इधर भी बहुत सारे कलियां आ रहा है। 2:09 भी आज हुआ था। मैं कुछ भी अगर दुखी होती हूँ ना तो बैल्कनी में आके फ्लावर देखती हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। इसका कलर इतना अच्छा है ना, ये हो नहीं पाया क्योंकि उधर पता नहीं क्यों हो नहीं पाया अच्छे से। और यहाँ पे जो बनाना का छिलका होता है ना उसको मैं ऐसे सुखाती हूँ, और जब ये सूख जाता है अच्छे से तो मैं हर एक पेड़ पौधे में डाल देती हूँ, इससे अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। और इसमें देखो कल बहुत फ्लावर आएंगे, दिखाऊंगी कल मैं बंगाली चैनल में। 1-2-3 बहुत सारा कलिया आ गया है,
यहाँ पे मैंने एक अनियन से ना ऐसे लीफ निकल रहा था तो मैंने लगा दिया था मिट्टी में, इसको और नीचे लगाना पड़ेगा तो स्प्रिंग अनियन बन रहा है। थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ अभी क्योंकि फोन किया था मैंने घर पे, तो दीदी का ऑपरेशन हो गया है और वो अभी ठीक है। एक्चुअली ये जो जल जाना होता है ना, बहुत ही खराब चीज होता है। जिसके घर में किसी को हुआ है उनको पता रहेगा। मेरे बुआ जो है ना, मेरी खुद की बुआ, वो 40% बर्न हो गई थी। क्या हुआ था, घर पे कुछ पूजा था तो पंडित जी जा रहे थे, मेरी फूफा जी पंडित जी के साथ नीचे गए थे उनको छोड़ने, और मेरी बुआ उस टाइम पे कुछ आरती वगैरह कर रही थी। पाचाली बोल के कुछ एक बुक होता है, वो पढ़ते हैं घर पे, बंगाली लोग करते हैं वो, तो वो कर रही थी और पूजा कर रही थी। ऐसे आग बंद करके ना कुछ मंत्र जाप कर रही थी, तो नई सूती का साड़ी पहन के ना बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, तो उसमें आग गिरा था और पूरा जल गया था। मेरा भाई तब छोटा ही था, मतलब टीन एज में था शायद, तो वो गाना सुन रहा था उसके रूम पे हेडफोन लगा के, तो उसको सुनाई नहीं दिया था कि मेरी बुआ चीख रही है। उसने अचानक देखा कि एक आग का गोला निकला घर से, तो तब जाके उसको मतलब पता चला, और बुआ को लेके फिर बाथरूम में जाके शावर ऑन किया, ये सब किया, पूरा घर जल गया था, इतना ज्यादा हो गया था। उसके बाद हॉस्पिटल में कुछ दिन थी, फिर रिकवर होने के बाद भी ना ऐसे सिचुएशन में ना आपको साल भर लग जाता है रिकवर होने में। तो उसके बाद मेरे घर में सब लोगों ने तय किया था, क्योंकि भाई छोटा है और फूफा जी को ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको ऑफिस जाना है, मेरी बुआ भी जॉब करती थी, तो हम सबने सोचा कि हमारा ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारे हम लोग हैं, मम्मी लोग हैं, तो देखभाल करने के लिए लोग ज्यादा है। तो मेरी बुआ तब 1-1.5 महीना हमारे साथ ही रहती थी। ज्वाइंट फैमिली, बहुत बड़ा हाउस है हम लोगों का, अलग अलग पोर्शन है पर हम एक साथ ही रहते हैं। उस टाइम पे मैंने देखा था कि क्या होता है, जिनके साथ ये सब होता है ना, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। मैंने जो सब देखा अपने आंखों से जब ड्रेसिंग होता था, इसीलिए हम लोग डर गए। हमको बस ऐसा लगा था मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी, उसको ज्यादा नहीं हुआ है, एक ही पैर में हुआ है, पर अचानक से उसका तबीयत खराब होने लगा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो हम लोग डर गए थे कि कितना घाव गहरा हो गया है, पता नहीं ना सेप्टिक हो गया कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आज मंडे है ना, तो उसको और 7-10 दिन रहना पड़ेगा, तो बच्ची छोटी है ना, तो उसको आई थिंक उसको ज्यादा तकलीफ होगा क्योंकि मम्मी नहीं रहती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, बस वो ठीक होके घर आ जाए यही हम चाहते हैं। तो मुझे ना अभी ऐसा लगता है कि मुझे ना कोलकाता चले जाना चाहिए परमानेंटली। मतलब कितने दिन हो गए मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं देख रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अनिबन के मम्मी पापा को कितने दिन नहीं देखा है। हम लोग लास्ट दुर्गा पूजा में घर गए थे, तो भगवान की लाख लाख शुक्र है कि हम लास्ट जनवरी लास्ट एंड एंड वीक में, 4th वीक पे हम लोग घूम के आए, मम्मी पापा भी आए थे, तो एक बार अनिर्बन उनके साथ मिल लिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम नेक्स्ट कब जा पाएंगे कोलकाता, पर हम जाना चाहते हैं। अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम जा सकते हैं, पर यू नो मतलब कैसे बोलूं, मतलब डर लगता है कि हम कुछ लेके ना जाए वायरस ना, क्योंकि मम्मी को मतलब मेरी सास को, उनको सांस की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम अभी इस टाइम पे मूव करना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग सेफ है, खुद के अलग घर है, बाहर नहीं निकलते हैं, तो इस टाइम पे हम जाके अगर मुश्किल और बढ़ जाएगा, हम ना एवरी डे सुबह उठ के कभी ये सोचते हैं कि उन लोगों को बुला लेंगे, कभी ये सोचते हैं कि नहीं हम चलो गाड़ी गाड़ी लेके ही कोलकाता चले जाते हैं। एवरी डे अभी ऐसा लगता है कि जब सब छोड़ के हम कोलकाता चले जाएंगे और सारे रिलेटिव्स के साथ मिलेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है फ्यूचर में, क्या होगा, इतने सारे लोगों का बुरा बुरा न्यूज आ रहा है, कितने सारे लोगों से शायद हम फ्यूचर में नहीं मिल पाएंगे, ऐसा फील हो रहा है। इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ, अभी मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ गुड न्यूज मिला कि वो सही है, उसका घाव ज्यादा नहीं हुआ है। कल फिर से अच्छी पॉजिटिविटी लेके व्लॉग बनाऊंगी। आज मेरा मन बहुत खराब था, मैं किसी की कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पाई मेरे बंगाली चैनल ने जो मैंने व्लॉग दिया था, अब से थोड़ा थोड़ा करके करूंगी। शाम हो रहा है, बारिश होने वाला है, ऐसे वेदर में डर भी ज्यादा लगता है क्योंकि जुकाम हो जाता है ना। कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर, अच्छा रहना, खुश रहना,
और आसपास में आई नो आपके साथ भी बुरा हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं हम लोग अभी इस टाइम पे। भगवान को बोलो कि जल्दी हमें इस कोरोना आफत से मुक्त कराए।